पूर्व मंत्री ललिता यादव जी हमारे साथ मौजूद है। ललिता जी, ये जो आज शपथ हुई है कितनी महत्वपूर्ण है कि एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी एक कार्यकर्ता थे, उनको हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ताओं को नेतृत्व सौंपती है। हमारा जो प्रदेश था पहले, जो जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो बंटाधार प्रदेश कहलाता था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश हमारा अग्रणी राज्य में शामिल हुआ है। तो निश्चित ही आज मोहन यादव जी हमारे जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रदेश को अग्रणी राज्य में शामिल करेंगे और प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री भी बने हैं, मंत्रिमंडल का अभी गठन नहीं हुआ है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, हम एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की भूमिका हमारी रहती है। अच्छा, आप काफी लंबे समय से कार्यकर्ता है, बहुत ग्राउंड लेवल पर भी काम करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में अभी तक डिप्टी सीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर पहली बार डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट आया। देखिए, ये पहली बार और बात की बात नहीं है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच है, वो हिसाब से काम करते हैं, अपने विजन पे काम करते हैं, हम एक कार्यकर्ता, इस पे नो कमेंट। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, विधायक दल की बैठक थी, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो उस समय किस तरह से इसकी घोषणा हुई, क्या आपने महसूस किया? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया, निश्चित ही विधायक दल की बैठक में जब बात की जाती तो हम सब लोगों ने स्वीकार किया नेतृत्व, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बना, चौंकाने वाला निर्णय भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री बनाती, प्रधानमंत्री बनाती, इसलिए चौंकाने वाले निर्णय की बात ही नहीं है। हमारे मोहन यादव जी डॉक्टर कुशल नेतृत्व है उनका, कुशल उनकी क्षमता है, अच्छे कार्यकर्ता है, इसलिए अच्छे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। मैं आप मंत्री रही हैं, एक बार फिर मंत्री, देखिए ये पार्टी का निर्णय है, उसको मान्य करूंगी मैं तो, कार्यकर्ता पार्टी का निर्णय है और उसको मान्य करेंगे। कहीं ना कहीं ललित यादव का कहना है और पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में वो हमेशा अपनी पहचान बनाती रहेंगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।